मैं मधु पात्रा और दर्शकों, सबसे पहले पूरी बिग न्यूज टीम आप सभी से अपील करती है कि आप अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले और कोरोना महामारी को खत्म करने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के सुर्खियों की ओर। 15 घंटों के भीतर दो स्थानों पर लोह नगरी में चली गोली, अपराधियों का दहशत कायम, प्रशासन में हड़कंप। खरकई नदी में नहाने गए दो युवकों की हुई मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। और पूर्वी सिंहभूम जिले के नए SSP एम तमिलवानन ने पदभार किया ग्रहण, पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन की कही बात। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में लॉकडाउन के बीच 15 घंटों के भीतर अपराधियों ने अपना दहशत कायम करते हुए मानव के उलीडी थाना क्षेत्र में गोली चालन की घटना को अंजाम दिया और शहर में कुल 15 घंटों के भीतर दो स्थानों पर गोली चालन की घटना घटी। घटना उलीडी थाना क्षेत्र के पंडित लाइन में घटित हुई है, जहां अपराधी सोनू मिश्रा ने मंदिर के पुजारी सौरभ सुमन झा पर फायरिंग की। घायल अवस्था में युवक को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि अपराधी सोनू मिश्रा के साथ 3 दिनों पूर्व कुत्ते को घुमाने को लेकर सौरभ सुमन झा, जो पेशे से पुजारी था, उससे विवाद हुआ था। गुरुवार को दोपहर लगभग 12 बजे सोनू मिश्रा ने सौरभ पर गोली चला दी। गोली सर में लगी और अस्पताल पहुंचने के क्रम में ही घायल की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद सिटी SP दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वैसे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी कर ली है। वैसे शहर में बीती रात भी गोली चालन की घटना हुई थी और 15 घंटों के भीतर दोबारा गोलीकांड हो गई, जिससे शहरवासियों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। वैसे आरोपी सोनू मिश्रा का पूर्व से आपराधिक इतिहास रहा है। अभी एक गोलीबारी की घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, सौरभ सुमन झा की। इसमें अपराधी को पकड़ने के लिए निकल चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी हम उसको गिरफ्तार करेंगे। कितनी गोली लगी है? ओलीडी थाना क्षेत्र में। सर, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है लड़के का जिसने मारा है? अभी कहना हाँ, उसका आपराधिक नहीं है, लेकिन जैसा कि बता रहे हैं अब तक की जो जांच में आ रहा है उसका कुछ आपराधिक रिकॉर्ड है। पूरी डिटेल हम लोग उसको पकड़ के इन्वेस्टिगेशन के बाद आगे दिया जाता है। घटना जानकारी में यही है कि बगल में वो रहता है, हम लोग के घर के बगल में। उसको 3-4 दिन पहले कुत्ता के लिए उसको बोला गया था, समझाया गया था कि भाई आप कुत्ता का लेटे रोड में नहीं कराइए, मैदान में, बगल में मैदान खाली है, वहाँ ले जाइए। वो सोनू मिश्रा जो है इस पर में उस दिन से जो है अपना जताया हुए था, आज जो है सो मैंने मौका देखते हुए उसको टिप करके चला गया। सोनू मिश्रा कुछ आपराधिक रिकॉर्ड? हाँ हाँ, पूरे रिकॉर्ड है। वो तो मैंने कुछ दिन पहले जो है एगो सिपाही को बोला था, घर बना रहा था, एगो सिपाही को बोला जाओ मेरे ऊपर, मैं तो 4 गो केस आई है, एगो तुम करिए देगा तो क्या हो जाए। सोनू मिश्रा कहाँ रहता है? हम लोग के घर के बगल में। हाँ, नहीं सौरभ कुछ नहीं करता है, पूजा पाठ करता है, आसियाना 25-26 साल का। देखिए तो ये होगी गर्दन में सर। क्या मांग कर रहा है प्रसाद? हम लोग मांग यही कर रहे हैं जो उसका मैंने पूरा परिवार का जो है सो मैंने उसको जो है सो मैंने गिरफ्तारी हो। और ये जो मैंने मोदी जी के राज में जो ये जो चल रहा है आपराधिक तत्व का आदमी, उसको सफाया किया। और यहाँ आपको बताएं कि सरायकेला खरसवां जिले के RIT थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 30 के बंता नगर के सामने से होकर गुजरने वाली खरकई नदी में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई। दोनों युवक 18 से 20 साल के आसपास के बताए जा रहे हैं। दोनों मृत युवकों में एक का नाम सोनू बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम सागर है। इधर घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही RIT थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां स्थानीय लोगों के सहयोग से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला गया। इधर स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को आनन फानन में MGM अस्पताल पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। सागर सोनू। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नए SSP के रूप में एम तमिलवानन ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है, जहां उन्होंने पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों के निर्वहन की बात कही है। सभी को यहाँ आने के लिए नमस्कार और धन्यवाद। जैसे मेनली हमारा भी प्राथमिकता ही रहेगा कि जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स है, क्रिमिनल एक्टिविटीज है, उसमें हम लोगों को पहला प्राथमिकता रहेगा। उसके अलावा जनरल लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेनेंस है, वातावरण अनुकूल वातावरण रहे लोगों को शहर में रहने के लिए, उसमें हम लोग को ये रहेगा। तीसरा प्रायोरिटी है हमारा जो है क्राइम अगेंस्ट वीमेन है, चिल्ड्रन है, और वीकर सेक्शन है, उन्हीं लोगों के इसमें रहेगा। और जनरली हम ये कोशिश करेंगे पूरा से टीम काम करके कि विक्टिम को जस्टिस जल्दी से जल्दी मिले और पुलिस का रिस्पांस जो है त्वरित हो, ये चीज़ हम लोग जरूर ध्यान रखेंगे।
और एक अपील करना चाहूँगा सम्मानित जमशेदपुर लोगों के बीच में कि पुलिस हम लोग 24 घंटे काम कर रहे हैं इस कोविड-19 पैंडेमिक में, तो आप भी हम लोगों को सहयोग करें ताकि जो है अभी तक मुक्त है, कोरोना मुक्त है जो जमशेदपुर, पॉजिटिव पेशेंट्स नहीं आए हैं, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करें। तो ये हमारा जो है अपील है लोगों से। जमशेदपुर आपके लिए सर पुराना शहर है सर, किस तरह सहयोग मिलेगा? पहले हमने जो यहाँ पर करीब 10 साल पहले हम यहाँ ट्रेनी के रूप में ज्वाइन किए थे, गारसिल्ला में मेरा थाना का अटैचमेंट हुआ था। फिर उसके बाद कुछ देर दिन के लिए जो है 2011 में 3 महीना के लिए CTSP के रूप में रहें, दूसरे CTS के रूप में। लेकिन अभी काफ़ी अंदर है, झारखंड पुलिस में भी काफ़ी जो है हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ा है, टेक्नोलॉजी बढ़ा है, तो 10 साल में काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट्स हुआ है सिटी में। उसके बाद अब मैं यहाँ पर आ नहीं पाया हूँ, तो उसके बाद अभी आए हैं। जो थोड़ा बहुत जो भी उसमें एक्सपीरियंस होगी, उस एक्सपीरियंस से मैं समझता हूँ मुझे ही मदद मिलेगी। और यहाँ आप बताएं कि लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच झारखंड की आर्थिक राजधानी लोहरदगा गोलियों की दर दर आहट से गूंज उठा पूरा शहर, सुना पड़ा हुआ था। तभी अचानक सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुइयाडीह के मुख्य सड़क पर गैंगवार शुरू हो गई। आपको बताते चलें कि बुधवार रात अखिलेश सिंह गिरोह और सुधीर दुबे गिरोह में गैंगवार हुआ। इस गैंगवार में अखिलेश सिंह का दाहिना हाथ माने जाने वाले कन्हैया सिंह सहित 7 लोगों को गोली लगी है। इधर सभी घायलों को इलाज के लिए TMH में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटनास्थल से दर्जनों खोखा बरामद हुआ है। बताया जाता है कि सुधीर दुबे गिरोह समझौता के लिए अखिलेश सिंह गिरोह से वार्ता के लिए पटेल नगर में इन्हें बुलाया गया था। जैसे ही वार्ता शुरू हुआ कि सुधीर दुबे गिरोह के कल्लू राय ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। वैसे कन्हैया सिंह को हाथ में गोली लगी है, सचिन को जबड़े में, राजकुमार को सर में और सोमनाथ को बाएं पैर और विक्रम सिंह को छाती और अंशु चौहान को हाथ और पीठ में गोली लगी है। इधर इस घटना के बाद हमलावर कल्लू राय सुधीर दुबे और उसके साथी फरार हो गए। कन्हैया सिंह, अच्छा आप कन्हैया सिंह है, कम्प्रोमाइज करने का लेके गोली चला दिया। सूरज था, सूरज सुधीर राजीव राम कल्लू राय, कल्लू राय हमको लग रहा कि राजा भी था, राजीव राम राजा उधर सब था। लोग सेटिंग से किया है, हाँ प्लानिंग से राजा उन लोग को। हम लोग 2 गाड़ी गए थे, जैसे गए गाड़ी लगाए हैं वहाँ लगे फायरिंग स्कॉर्पियो से गए थे। कौन लोग था वो लोग? ये कल्लू राय भी रहे, कल्लू राय विजय। अच्छा सुधीर, सुधीर का लोकल ना। का बोलो तेरे कल्लू राय? बोलल कुछ ना, गाड़ी लागल बा भैया, खाली बोलैले बा तो फायरिंग शुरू कर देले बा। अच्छा अच्छा वही जी। एकरा से पहले तो DAV स्कूल पास रुकले बा। DAV स्कूल के पास भइल बा। चलिए अच्छा ठीक है। तारका पूरा नाम बा? सोमनाथ सिंह। कन्हैया भाई इस फरार अपराधी की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। और सबसे बड़ा सवाल यहां ये है कि बागबेड़ा से और मानू से ये दोनों गैंग के अपराधी सीताराम डेरा कैसे पहुंचे, जबकि हर जगह पर पुलिस चेकिंग कर रही है और वो भी पिस्टल के साथ। फिलहाल घटना की खबर मिलते ही सिटी SP, DSP और शहर के सभी थाना प्रभारी TMH पहुंचे और पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। वैसे अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। आपको बता दें अखिलेश सिंह गैंग का जॉन अखिलेश सिंह जेल में बंद है। अभी यहाँ TMH में 7 जख्मी आए हैं। अच्छा। जिनका इलाज चल रहा है। अच्छा। गोली लग करके जख्मी होकर गया है। अच्छा, कहाँ पर हुआ है घटना? ये सीताराम डेरा में स्लैक रोड में। अच्छा, गैंगवार है क्या? अभी ये तो जांच का विषय है। अच्छा, पर बयान होगा, बयान होगा उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। क्या हालात है इन लोग का? ठीक है, अभी तो अभी ठीक है, अभी नॉर्मल। कोई गंभीर भी है क्या सर? अभी गंभीर ऐसा नहीं, लेकिन वैसे है कभी गंभीर भी हो सकता है। अच्छा, तो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो फिलहाल आप लोग क्या कर रहे हैं इस मामले में? फिलहाल जैसे लगी हुई है टीम, जैसे रेड के लिए निकली हुई है, CTSP साहब ने कितने हैं, हर टीम का अलग अलग बटा हुआ है। यहाँ पर जैसे DSP लॉडर साहब भी हैं, वो जैसे यहाँ पर लखनऊ का बयान हो रहा है, रेड हो रहा है। तो किसके द्वारा दिया गया घटना का? अब ये तो अभी बयान से स्पष्ट होगा, बयान हो रहा है उसके बाद, छानबीन हो रही है, छानबीन हो रही है। और यहाँ आपको बताया कि बच्चों को उच्च शिक्षा मिले, कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे, इस उद्देश्य से लगातार बच्चों को पाठ्य सामग्री बांटने वाली संस्था कॉमन वेलफेयर कमेटी द्वारा अब जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। इस संस्था द्वारा लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कोई भी बच्चा अशिक्षित ना रहे।
पर वर्तमान समय में लॉकडाउन से उत्पन्न हुई आर्थिक संकट को देखते हुए संस्था द्वारा लोगों को 15-15 दिनों का कच्चा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि संकट की घड़ी में मानव सेवा भी हो सके। वहीं संस्था के संयोजक ने कहा है कि संकट की घड़ी में हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वे आगे बढ़कर ऐसे जरूरतमंद लोगों की मदद करें जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्होंने बताया है कि संस्था द्वारा तो लगातार बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री का वितरण किया जा रहा था, पर स्थिति को भांपते हुए अब जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराया जाने लगा है। कॉमन वेलफेयर कमेटी एक जो है धरती जी में कायम हुई है, जिसका नाम है कॉमन वेलफेयर कमेटी, जो गरीब गुरुआ को जो है मेडिकल और एजुकेशन लाइन से काम करना है। लेकिन इमरजेंसी जो है ना, ये लॉकडाउन जो हुआ, इसके मुताबिक जो है हम लोग गरीबों का अभी थोड़ा सेवा कर रहे हैं। सेवा में यह है कि उसका खाने पीने का, राशन का इंतजाम जो है उसको कर रहे हैं। और अभी हालात ये हो गया है कि बड़े बड़े घर के लोग जो है अपने बच्चा को जो है वो पढ़ाई में जो है वो ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ये गरीब बच्चा पढ़ेगा कैसे? इसके लिए हम लोग कुछ किताब, कुछ कॉपी का, पेंसिल का, ये सब इंतजाम भी किए हैं कि इंशाल्लाह उसको हम लोग पहुँचाएंगे। और वो कोशिश करेंगे कि और भी हम लोग आगे अगर काम करने का होगा तो हम लोग का इरादा है कि हम लोग अच्छा से काम करेंगे। अब तक कितने लोगों को घर में राशन पहुंचा है? हम लोग जो है ना बहुत दूर दूर तक पहुंचा है। कम से कम पहला ट्रिप में हम लोग 120 पैकेट पका है, दूसरा में आ जाए 130 बना है, उसके बाद में ऐसी हम लोग चल रहा है। और अभी हम लोग फिलहाल करीब करीब 200 पैकेट है। टोटल कितना बांट चुके हैं अभी तक? हम लोग कम से कम 500 पैकेट बांट चुके हैं। कितने दिन का राशन बांट रहे हैं घर में? हम लोग जो है ना इतना है कि हम लोग को 15 रोज तक कहना एक जो है ना कोई आदमी बाहर नहीं निकल सकता, लैपटॉप में बाहर नहीं निकलता। अब उसका जरूरत का चीज को हम लोग पूरा दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, साबुन भी। आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो क्या आप लोग सहयोग कीजिएगा जरूरतमंद का? आगे भी हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करें कि और भी हम लोग जिससे जितना खिदमत होगा वो भी करेंगे। मुंबई बेकरी अब आपके शहर में किफायती दरों पर लेकर आ गया है एक से बढ़कर एक टेस्टी पिज्जा, कुकीज, ऑल टाइप्स ऑफ केक, ऑल टाइप्स ऑफ स्नैक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बिस्किट्स, पेटीज और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, आज ही अपने पसंद का व्यंजन घर बैठे ऑर्डर करें। हमारा पता मुंबई बेकरी, हाउस नंबर 13, मार्केट एरिया धरकीडी, जमशेदपुर। फोन नंबर 9593760653, 6297318081। ब्रेक के बाद अगर फिर से आपका स्वागत है। और दर्शकों, यहाँ आपको बताते चले कि सरकार और प्रशासन लगातार कोरोना से बचने के लिए जनता से अपील कर रही है कि आप अपने अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क आदि का पालन करें। इसी कड़ी में शहर के छोटे बच्चे भी पीछे नहीं हैं। जहाँ कुछ दिनों पहले माइका गुप्ता का वीडियो वायरल हुआ था, वहीं अब इस UKG की छोटी सी बच्ची खुशी भी लोगों से कोरोना से बचने की क्या कुछ अपील कर रही है, आइए देखते हैं। हेलो, दिस इज सिफ्रेमत। पास दिस मैसेज टू प्रिवेंट फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस। वॉश योर हैंड्स ऑफन, यूज सैनिटाइजर, मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस, कवर योर नोज एंड माउथ, डोंट टच आईज, नोज एंड माउथ, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे लाइफ। थैंक यू। और घर बड़े व्यापारियों से मात खाए हुए स्वर्ण कारीगरों के समक्ष भूख की पीड़ा उत्पन्न हो गई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि इनके पास घर जाने का कोई रास्ता नहीं है और पेट की आग बुझाने का भी कोई उपाय नहीं है। जुगसलाई क्षेत्र में रहकर पूर्वजों के समय से ये सभी कारीगर इस कार्य में लगे हुए हैं। बड़े व्यापारियों की वजह से आर्थिक संकट की मार तो पहले से ही ये सभी झेल रहे थे, अब लॉकडाउन इनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती उभर कर सामने आई है। स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि अब ये सभी दाने दाने को मोहताज हैं। वर्षों पुराने स्वर्ण व्यापारी भी अब इनसे कन्नी काटने लगे हैं। हो रही है, खाने पीने की दिक्कत हो रही है और काम धाम भी बंद है और
जो हम लोग का यहाँ 5,000 कारीगर जो है फंसे हुए हैं, तो यहाँ पे हम लोग का कोई मदद का कुछ हो नहीं रहा है। दुकानदार लोग आपसे कोई संपर्क नहीं किए? हम लोग दो पीढ़ियाँ काम करते चले आए हैं और यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी लोग उनके आ जाने से हमारा व्यवसाय भी ठप होते जा रहा है, जिसके कारण भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो मेरा अनुरोध है कि लॉकडाउन में आप लोगों को किसी तरह का कोई मदद नहीं मिला जिला प्रशासन के तरफ से, कोई संस्था के तरफ से, तो अब तक कैसे चला रहे हैं? हम लोग का जो बड़े बड़े व्यापारी लोगों का जाने से हम लोग का जो हुनर है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इस लॉकडाउन में क्या परेशानी हो रही है? इस लॉकडाउन में हमारी यही परेशानी हो रही है कि हम लोग को तो खाने पीने का कुछ सुविधा नहीं हो पा रहा, काम काज भी ठप है और भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अच्छा, अब तक कोई मदद नहीं मिला किसी से? कुछ मदद नहीं हुआ है, हम लोग को सोचे तो खुल जाएगा ये सोच के हम लोग जो बचा हुआ था उससे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, बाकी ऐसे फंसे हुए हैं कुछ, तो इसका रास्ता हम लोग को दिख भी नहीं रहा। फिर आपसे हम लोग को कांटेक्ट मिला, सारे हम लोग आपसे अपनी बात। क्या नाम हुआ आपको? रंजीत सैन। पूरे शहर वासियों को अपनी सेवा दे रहे इन कारीगरों को अब अपने घर की याद सता रही है। ज्यादातर कारीगर बंगाल के मेदिनीपुर के रहने वाले हैं, जो इन दिनों लॉकडाउन की वजह से जुगसलाई में फंसे हुए हैं। कारीगरों के अनुसार इन्हें यह एहसास भी नहीं था कि स्थिति इतनी भयावह हो जाएगी और इनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सिलाई में स्वर्ण कारीगर है हम लोग, बहुत बारीक काम होता है, सोना का कारीगर है हम लोग। करीब करीब 50-60 आदमी यहाँ फंसे हुए हैं, जो मेदिनीपुर, कलकत्ता, ये सब साइड से आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो अभी 200-300 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, पिताजी दादाजी से काम कर रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी पूरा स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है और हम लोग तक यहाँ तक कोई भी सुविधा अभी तक नहीं पहुँची। अच्छा, आप लोग इस संबंध में किसी से भी संपर्क करने की कोशिश की है क्या? कुछ इतने दिनों से किस तरह से आप लोगों पर चल रहा है? अभी तक तो सर जितना भी पैसा था या बैंक में था, जो भी था, सब अभी तो सब पॉकेट खाली हो चुकी है, स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई है और अभी तक हम लोग कोई भी संस्था से या किसी से भी मदद नहीं आई अभी तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग किसी के अंडर काम करते थे कि आप लोग अपने स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं? नहीं, अपना स्वतंत्र रूप से जिसका भी काम मिलता था उसी का काम, मतलब किसी के अधीन नहीं, नहीं, नहीं सर, अभी परमानेंट कोई भी काम नहीं। तो वो दुकानदार लोग भी आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं किए जिनका आपसे संपर्क काम? नहीं, हाँ, कोई संपर्क नहीं, कुछ नहीं, हम लोग जो भी है अपने से करना पड़ता है और अभी जैसे स्थिति हो गई है एकदम भुखमरी की स्थिति हो गई है, इसीलिए हम लोग कुछ मदद चाहते हैं जिला प्रशासन से। आप लोग जिला प्रशासन से ही हम लोग मदद चाहते हैं कि हम लोग को थोड़ा आर्थिक मदद किया जाए। राशन वगैरह भी कुछ नहीं है? राशन वगैरह भी कुछ नहीं है सर, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीत सैन। पूर्वजों के समय से इस कार्य में लगे स्वर्ण कारीगर अपनी व्यथा मीडिया के माध्यम से जिला प्रशासन के समक्ष उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि संकट की घड़ी में उन लोगों तक राहत पहुंचाई जाए। अभी तो यह 12 महीना हो गया आ गया क्या का काम करता है, काम धंधा तो नहीं है, खाना पीना भी नहीं है। तो लॉकडाउन के चलते, लॉकडाउन के समय से ही आप यहाँ फंसे हुए हैं? फंसे हुए। तो कोई मदद अब तक नहीं मिली? मदद नहीं मिला। किसके अधीन आप लोग काम करते थे? सब काम देता है टुकटक, सब आदमी का काम करता है टुकटक देता है, मतलब किसी के अंडर में आप लोग काम नहीं करते हैं? नहीं। कितने लोग हैं ऐसे जो यहाँ पर फंसे हुए हैं? यहाँ पर है 50 आदमी है। क्या परेशानी हो रही है अभी? काम, खाना पीना नहीं मिलता है, हफ्ता ना पैसा नहीं है ना सबसे। तो यहाँ जो आसपास नगर पालिका है उससे कोई नहीं, कोई नहीं। क्या नाम है आपका? कौन साहब। वहीं वर्षों से अपनी सेवा दे रहे इन कारीगरों को अब जिला प्रशासन के साथ साथ जमशेदपुर के निवासियों से काफी उम्मीद है। ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि जिला प्रशासन के साथ साथ अपने अपने क्षेत्रों में ऐसे लोगों को चिन्हित कर यथासंभव उन तक सहायता पहुंचाए जिन लोगों के समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और यहाँ आपको बताते चलें कि कोरोना वायरस के कालखंड में भारतीय संस्कृति कला विकास मंच की ओर से जमशेदपुर ब्लड बैंक में लगभग 30 सदस्यों ने रक्तदान महादान के सिद्धांत को मानते हुए सभी ने बारी बारी से सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए अपना अपना रक्तदान किया। इस अवसर पर भारतीय संस्कृति कला विकास मंच के अध्यक्ष दलजीत सिंह परवार ने बताया है कि भारतीय संस्कृति एवं समाज में हम कलाकारों का हर सुख दुख की घड़ी में एक बड़ा योगदान होता है। अरे बात बंद करो भाई, है भाई घर में ही रहना।
करके कोरोना को हराना है। बच्चे घर में ही रहना है, कहीं बाहर न जाना है। सांस्कृतिक कला विकास मंच से हैं और हमारी संस्था देश को कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन हम लोग अपना रक्त जरूर दे सकते हैं। जो आज कोरोना वायरस बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए हम सभी 40 कलाकार रक्तदान कर रहे हैं, और साथ ही आज हिंदुस्तान के बहुत बड़े कलाकार स्वर्गीय आदरणीय श्री ऋषि कपूर जी का निधन हुआ है। हम इस रक्तदान के माध्यम से हम भारतीय संस्कृत कला विकास मंच के सारे कलाकार उनको श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं, और हमारे हिंदुस्तान में हमारे कलाकारों के बीच एक बहुत बड़ी क्षति हुई है उनके जाने से। आज सारा हिंदुस्तान इस कोरोना वायरस से बहुत पीड़ित है, इसके लिए हम सभी कलाकार, हमारे जो पदाधिकारी हैं, हमारे महासचिव श्री संतोष झा जी, उपाध्यक्ष समित ग्रोवर जी, सेवा सिंह जी, सह सचिव अनामिका सिंह जी, और संयोजक श्री शंकर सिंह जी, और झांकी ग्रुप के अध्यक्ष श्री महेश शर्मा जी, सारे कलाकार, आज हम सारे पदाधिकारी लोग सारे कलाकारों के साथ 40 कलाकारों का हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दलजीत सिंह परवाना हुआ, मैं भारतीय सांस्कृतिक कला विकास मंच का अध्यक्ष हूँ। पंद्रह घंटों के भीतर दो स्थानों पर लोह नगरी में चली गोली, अपराधियों का दहशत कायम, प्रशासन में हड़कंप। खरकई नदी में नहाने गए दो युवकों की हुई मौत, क्षेत्र में फैली सनसनी। और पूर्वी सिंहभूम जिले के नए SSP एम तमिल वानन ने पदभार किया ग्रहण, पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन की कही बात। तो इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।